ओके, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। हमने देखा कि इम्यून सिस्टम दो तरह का है, इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, है ना। हमने बात की कि जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो फिजिकल और केमिकल बैरियर से मिलकर बना है और साथ उसमें कुछ सेल्स भी हैं। और फिर हमने देखा कि वो फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। आज हम बात करेंगे इनेट इम्यून सिस्टम की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? दे आर फिजिकल, दे आर फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, बैरियर्स विच आर एनकाउंटर्ड बाय एन इन्वेडर व्हेन इट tries to enter in an organism. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करता है, आपकी बॉडी में इन्वेड करने की, घुसने की कोशिश करता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसका रास्ता रोकती है, सबसे पहली चीज़ जो उसको पकड़ने की, काबू करने की कोशिश करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसको हम देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नाम, है ना। हाँ, इन्वेडर व्हेन इट ट्राइज टू एंटर इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके, सही है बेटा। अच्छा, तो अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में घुसने की कोशिश करेगा तो ये दोनों काम करेंगे। अब इसमें दो तरह की चीजें होंगी, तो इट कंसिस्ट ऑफ सम केमिकल एंड फिजिकल बैरियर्स। अब इसमें कुछ बैरियर केमिकल हैं, कुछ बैरियर फिजिकल हैं, तो पहले हम लोग ज़रा फिजिकल बैरियर की बात कर लें, उस बार हम लोग केमिकल बैरियर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फिजिकल बैरियर है पहला, चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वो है हमारी स्किन। ये जो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी पे और मेरी बॉडी पे और हम सब की बॉडी पे ये बाहर स्किन चढ़ा दी है पूरी की पूरी, ये स्किन बहुत ही डायनामिक जो है वो एक स्ट्रक्चर है, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गन है। तो इट इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी और इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है ना। इसका सरफेस एरिया होता है इट्स 1.8 मीटर स्क्वायर, इतना इसका सफ़ेद एरिया है। तो ये एक बहुत बड़ा सफ़ेद एरिया है, यानी तकरीबन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये तकरीबन कुछ 5.5-6 फुट के करीब जो है वो बन जाए, है ना, ओके। अब आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम स्किन को देखते हैं तो हमारी जो स्किन है ये एक फिजिकल बैरियर है और दुनिया में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो हमारी स्किन को क्रॉस करके हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए। तो इट्स एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर फॉर ऑर्गेनिजम्स। और अच्छा करना है तो उसको करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में घुसना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए इम्पेनिट्रेबल है, वो तो क्रॉस नहीं कर सकते, वो तो क्रॉस नहीं कर सकते। अब पता है क्या होता है, जब हम स्किन को देखते हैं तो हमें पता लगता है स्किन के भी 3 पार्ट्स हैं। तो हैज़ थ्री पार्ट्स। और वो पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एपिडर्मिस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो एपिडर्मिस होती है ना, ये एक सेल्यूलर लेयर है सेल्स की बनी हुई है, ठीक है, मगर ये नॉन वेस्कुलर होती है। इट्स ए नॉन वेस्कुलर
प्लस नॉन सेंसिटिव, तो ये नॉन वेस्कुलर लेयर होती है और ये नॉन सेंसिटिव होती है। ना इसमें कोई ब्लड वेसल्स होती हैं, ना इसमें कोई नर्व्स होती हैं, ना इसके पास खून होता है, ना ये कुछ महसूस कर सकती है। एपिडर्मिस की बात हो रही है, स्किन तो महसूस करती है ऑब्वियसली, तो ये इस तरीके से ना। अब पता है इसमें क्या होता है, इसके सबसे बाहर ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर एक प्रोटीन की लेयर आ जाती है, जिस लेयर को हम नाम देते हैं कैरेटिन का। किसका नाम देते हैं? कैरेटिन का। और ये जो कैरेटिन है, ये कैरेटिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो इट इज लाइंड बाय कैरेटिन, इट इज लाइंड बाय कैरेटिन, ठीक है। अब इसके जो नीचे वाली लेयर है ना, यहां से सेल बनते जाते हैं और सेल बन के ऊपर जाते जाते हैं, तो सेल्स फॉर्म्ड एट बेस ऑफ एपिडर्मिस, एट बेस ऑफ एपिडर्मिस कीप मूविंग अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं। जब वो ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं तो क्या होता है, ये जब बिल्कुल टॉप लेयर पर पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल जो है वो डेड हो जाते हैं। तो when reach to top become dead, तो ये डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये डेड सेल इनके साथ जो, क्योंकि आपकी स्किन तो हर वक्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सपोज हो रही है ना, तो आपकी स्किन पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो ये डेड सेल शेड होते रहते हैं, झड़झड़ के गिरते रहते हैं। और जब वो झड़झड़ के गिरते रहेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम के साथ साथ शेड होते रहेंगे, तो ये जो डेड सेल होते हैं, डेड सेल्स शेड अलॉन्ग विद माइक्रोब्स, तो ये डेड सेल माइक्रोब के साथ शेड होते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इन सेल्स के पास ब्लड सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो हमने तो पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि ब्लड के काम है सारे सेल्स तक नरिशमेंट पहुँचाना, तो फिर इन सेल्स तक नरिशमेंट कैसे पहुँचेगी, सोचने वाली बात है ना। तो ये सेल जो नरिशमेंट लेंगे, तो नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड, नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम डर्मिस। तो नीचे जो डर्मिस है ना, डर्मिस से डिफ्यूजन के जरिए जो नरिशमेंट है वो ऊपर जाती जाएगी, और ऊपर जाके जो इन सेल्स को नरिशमेंट सप्लाई करती जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपने ध्यान में रखना है कि एपिडर्मिस में कभी कभी स्पेशल टाइप के WBC हमें मिलते हैं, स्पेशल टाइप के मैक्रोफेजेस हमें मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं लैंगरहॉन सेल्स। क्या बोलते हैं? तो समटाइम्स लैंगरहॉन सेल्स आर प्रेजेंट विच आर मैक्रोफेजेस। अभी आप याद कर लीजिए कि मैक्रोफेजेस हमारी मुराद है WBCs। अब कौन से WBCs मैक्रोफेजेस होते हैं उनकी हम बात करेंगे आगे चल के। तो ये भी क्या करते होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ते होंगे, है ना, ऐसे होगा। ओके, उसके बाद आपकी स्किन का जो दूसरा पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं डर्मिस ऑफ स्किन। क्या बोलते हैं इसको? हम कहते हैं डर्मिस ऑफ स्किन। तो ये आपकी डर्मिस है, तो इट इज योर डर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, तो ये आपकी एपिडर्मिस ही, एपिडर्मिस की निचली लेयर कौन सी है? डर्मिस है स्किन की, है ना। अब देखिए, ये जो डर्मिस है ना स्किन की, आप याद कर लीजिए कि ये जो डर्मिस है ये वेस्कुलर भी है और ये सेंसिटिव भी है। क्या मतलब हुआ? कि इसके पास ब्लड सप्लाई भी है और उसके पास नर्व सेल भी हैं, तो कैन सेंस वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई, ये डिफरेंट तरह के स्टिमुलस को फील कर सकती है,
इसलिए कुछ लोग क्लेम करते हैं कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है। इसलिए कुछ लोग क्या क्लेम करते हैं कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है। मगर आपको पता है स्किन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो क्या होती है? स्किन के अंदर एक चीज़ होती है इस तरीके से, और वो इससे कि डैमेज से जा रही होती है, एपिडर्मिस से बाहर निकल रही होती है इस तरह से, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेयर, यानी बाल, है ना। बाल कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं। बाल कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस में। इस तरीके से इसका सेंसिटिव पार्ट होता है नीचे, इस तरीके से नीचे, इस तरीके से इसका सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पैपिला ऑफ हेयर। खैर, अब ये जो हेयर है ना, आप लोगों ने याद रखना है, इस हेयर के बिल्कुल साथ एक बहुत स्पेशल तरह का ग्लैंड अटैच हुआ होता है हेरा, इसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड किससे लगा हुआ है? हेयर के साथ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बालों में एक नेचुरल शाइन होती है। अपने बालों में अगर अपन तेल वेल कुछ भी ना लगाएं, फिर भी अगर अपन धूप में खड़े जाएंगे तो अपने बालों में एक शाइन होगी, है ना। वो शाइन क्यों होगी? वो शाइन इसलिए होगी क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड एक सिक्रीशन रिलीज करता है, इसको हम कहते हैं सीबम। और याद कर लो, सीबम कैसी सिक्रीशन है? ऑयली सिक्रीशन। कैसी सिक्रीशन है? ऑयली। और ये क्या करती है? ये हेयर को फ्लेक्सिबल बनाती है। तो ये हेयर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ये बालों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो आप अपने बाल ऐसे करते हैं ना, ऐसे हाथ फेरते हैं और आपके बाल मुड़ जाते हैं उसी हिसाब से, सीधे हो जाते हैं, ये जो बालों में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इस सीबम की वजह से। अच्छा, अब ये सीबम सिर्फ और सिर्फ बालों को फ्लेक्सिबल नहीं करेगा, ये सीबम सिर्फ और सिर्फ बालों को फ्लेक्सिबल नहीं करेगा, ये और क्या करेगा? ये सीबम सिर्फ और सिर्फ बालों को फ्लेक्सिबल नहीं करेगा, ये क्या करेगा? ये स्किन की एपिडर्मिस के ऊपर सीबम की एक लेयर बना लेगा पूरी, और ये लेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो भी नहीं करने देंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार भी सकती है। तो सीबम इसके अलावा क्या करता है? फॉर्म अ लेयर ओवर एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, और वो लेयर क्या करती है? वो लेयर क्या करती है, बताओ शाबाश? ये बैक्टीरियो स्टैटिक है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, और साथ में ऑल्सो इनहिबिट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की स्किन से अटैचमेंट को भी रोकती है। इसको कहते हैं एक तीर में बहुत सारे शिकार करना, एक तीर में बहुत सारे शिकार करना। उसके अलावा एक और चीज़ होती है स्किन के अंदर, तुम्हें पता है वो क्या होती है? वो इस तरीके से एक बहुत ज़्यादा बल्क आया हुआ ग्लैंड होता है, और वो इस तरीके से उस बहुत ऊपर जा रहा होता है स्किन के पास, और ऐसे स्किन से बाहर निकल रहा होता है, ऐसे स्किन पे वो पोर कर रहा होता है इस तरीके से स्किन को पोर कर रहा होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? स्वेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? उसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है? स्वेट यानी पसीना। स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है स्वेट यानी पसीना। और तुम बता ना, स्वेट का जो असल काम है वो कहाँ है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, ना, हैव रोल इन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इसका बड़ा हाथ है, और उसके साथ साथ ये भी जब स्किन में जाता है तो बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है। ऑल्सो इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन स्किन थ्रू देयर डिफरेंट केमिकल्स। इसके जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, ये उन केमिकल्स की मदद से बैक्टीरिया को सीबम के साथ मिलकर स्किन पे ग्रो भी नहीं कर देते। ठीक है, ओके। उसके अलावा वो जो हमने मैक्रोफेजेस देखे थे, वो आपको स्किन में भी नजर आते हैं।
तो ऑल्सो हाउस फॉर मैक्रोफेजेस जो कि WBCs की टाइप थी जो हमने बात की थी, तो जब वो एपिडर्मिस में है तो एपिडर्मिस में कहाँ से गए, डर्मिस से ही गए ना घूमते हुए, तो वो जो लैंगरॉन सेल्स की हमने बात की थी वो डर्मिस में भी हमें मिलेंगे। जो लास्ट पार्ट है हमारी स्किन का उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये हमारा हाइपोडर्मिस है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा हाइपोडर्मिस है और हाइपोडर्मिस का कोई खास रोल नहीं है किसके अंदर, हमारी इम्यूनिटी के अंदर। तो स्किन की तीन लेयर हो गई, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और आप लोगों ने याद रखना है इसमें इम्यूनिटी में दोनों लेयर डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों पार्ट प्ले करती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्किन है ये आपका एक फिजिकल बैरियर है और दुनिया का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है ना, तो सबसे पहले उसका वास्ता किससे पड़ता है? स्किन से। स्किन उसको रोकने की कोशिश करती है, मगर हमें पता है हमारी बॉडी में कुछ जगह ऐसी है जहाँ स्किन नहीं है। नाक में स्किन नहीं है, आँखों में स्किन नहीं है, मुंह में स्किन नहीं है, कानों के अंदर स्किन नहीं है ना। तो फिर जिस जगह पर स्किन नहीं है वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर स्किन नहीं है, कुछ और होगा। तो स्किन फिजिकल बैरियर है, तो वहाँ पर क्या जाएंगे? केमिकल बैरियर। और वो केमिकल बैरियर क्या है फिर उनकी कल बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई सवाल तो बताओ। नहीं, ये तुम्हारी नेचुरल कोल्ड क्रीम है।